इवनिंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में तो एक छोटा सा वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका आर आर बी पी ओ पी का एग्जाम क्लियर नहीं है बहुत सारे आप में से काफी कैंडिडेट्स के जो रेगुलर फॉलोअर हैं चैनल के उनके मेरे पास मैसेज आए कि सर बहुत अच्छा अटेम्प्ट था स्टिल सिलेक्शन नहीं हुआ फीलिंग रियली लो रियली बैड अब उन लोगों के लिए कुछ टिप्स है कुछ सजेशन है अच्छे से सुनिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात और राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए जिनके साथ स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट किया एसबीआई क्लर्क में ऑलरेडी सिलेक्टेड है स्टिल आर आर बी का एग्जाम क्लियर नहीं कैसे पॉसिबल है ऑब्बियस रीजन है पीओबी ने जो सीज जो विड्रॉ की है राजस्थान और गुजरात से उसका सीधा इम्पैक्ट ऑफ पे भी है पड़ा है तो उनके लिए अनफेयर है अनलकी है कोई बात नहीं यार कई बार लक साथ में नहीं रहता है वंस इन अन लाइट वाली सिचुएशन है कि कभी कभी हो जाता है खराब यार कोई बात नहीं अब बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए उनके लिए तैयारी करने का एक जो बहुत बड़ा फायदा जो रहता है कि आपको एक नई कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है और इसी बात का नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है उन्होंने सिर्फ आर आर बी पी ओ प्री का एग्जाम नहीं दिया था एक एग्जाम दिया था क्या आप सभी ने नहीं? नहीं सर हमने एक एग्जाम नहीं दिया था हमने एस बी आई पी ओ प्री का भी एग्जाम दिया हुआ है आई बी पी एस पी ओ प्र का दिया हुआ है आई बी पी एस क्लर्क प्री का दिया हुआ है आई बी पी एस आर आर बी क्लर्क प्री का दिया हुआ है और उनमें इन चार में से एटलीस्ट दो से तीन एग्जाम्स में हमारा अटेम्प्ट बहुत अच्छा है हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव रिजल्ट तो बिल्कुल भी लेट डाउन फील नहीं करना है डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है और जो प्रिपरेशन मीन्स के लिए आप पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं ना मुझे पता है काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं तो कह रहे थे सर आर आरबी पी ओ मीन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे आर आरबी पी ओ प्री में हाईली एक्सपेक्टेड था स्पेशली गुजरात और राजस्थान के कैंडिडेट्स कोई बात नहीं है कि मीन्स की जो प्रिपरेशन है वो बाकी मीन्स एग्जाम्स के लिए भी तो काम आएगी बाकी का प्री का जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उसका मीन्स का एग्जाम नहीं देने जाना क्या देने जाओगे ना जब क्लियर करोगे तो उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है इसी तरह से प्रिपेयर कीजिए पता है सेटबैक है पर बहुत बड़ा नहीं छोटा सेटबैक गेट ओवर इट और आज आज के लिए चिल कीजिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए माइंड को शांत कीजिए और फिर से याद कीजिए कि किस लिए हम प्रिपरेशन हमने करना स्टार्ट किया था फिर से याद कीजिए जैसे याद आएगा फिर से आप ट्रैक पे आ जाओगे और मेंस की जैसे प्रिपरेशन करते आए हो वैसे ही प्रिपेयर करना है क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम के लिए हम फाइट नहीं कर रहे हम कई एग्जाम्स के लिए मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हैं

क्लासेस रेगुलरली देखिए जो जो सजेशन दिए उन्हें रेगुलरली फॉलो कीजिए मुझे पूरा विश्वास है जो नेक्स्ट प्री का जो रिजल्ट होगा बिल्कुल आपके फेवर में होगा बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही नाउ डेट ऑल फॉर टुडे सेशन गुड नाइट टेक केयर